हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिल्कुल ही इजी और आसानी से नाश्ता बनाने जा रहे हैं। बहुत ही हेल्थी है, इसे आप देख सकते हैं, यह मैंने बहुत ही आसानी से बनाया है और ये बच्चे बड़े सभी को पसंद है। इसे आप चाहें तो इवनिंग में या फिर सुबह आप नाश्ते के टाइम में खा सकते हैं। चलिए फिर बनाते हैं यह हेल्दी नाश्ता। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ इस कटोरी से मैंने चना डाल लिए हैं। इसे मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिए हैं। मैंने इसको छान लिया है। अब एक छोटा पीस अदरक रख का डालेंगे, 3 हरी मिर्च डालेंगे, 8 से 10 मैंने लहसुन लिए हैं यहाँ। चलिए इसे हम ग्राइंडर जार में पीस लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पीस लिया है चने के दाल को। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। इसे पीसने में लमसम हमारी आधी गिलास हमारी पानी लगी है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। हमने कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच हमने ऑयल डाला है। हम कोई सा भी ऑयल ले यूज कर सकते हैं, जो भी आप खाते हो। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, मैं इसमें थोड़ी सी हींग डालूँगी। सबसे पहले थोड़ी सी जीरा डालेंगे, थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे। इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच है हमारी। 1/2 चम्मच मिर्ची डालेंगे कुटी हुई। 1/4 चम्मच हम जीरा और काली मिर्च डालेंगे पीसी हुई, ये हमारी नॉर्मल। चलिए अब हम इसे मिला लेते हैं। थोड़ा अच्छी तरह से भून लेंगे इसे मसालों। मसाले हमारे भुन गए हैं। अब हम इस पेस्ट को इसके अंदर डालते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं नमक को। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे भुनने में लमसम हमारा 2 से 3 मिनट लगा है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करते हैं। प्लेट में निकाल लिया है। इसको प्लेट में चारों तरफ से हम फैला लेंगे इसको इस तरीके से, और इसको दबा लेंगे इस तरीके से। मैंने थाली में अच्छी तरह से इसे जमा लिया है। अब हम इसे 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ताकि काटने में इसके पीसेस जो है हमें आसानी से ये कट जाए। चलिए 5 मिनट हो गया है। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। यह देखिए, मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ निकाल के। यह देखिए, इसके इसी तरीके से पीसेस मैं निकाल लूँगी। देखिए, सभी पीसेस को मैंने इस तरीके से कट करके निकाल लिया है। अब मैंने पैन को गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है। पैन हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल हम ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा ही लेंगे। यहाँ मैंने 4 चम्मच ऑयल लिया है। इसको चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा राई डालेंगे। थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे। और जो हमने पीसे जो हमने कट कर रखे थे, इसे हम डालेंगे। अच्छी तरह से डालेंगे, सावधानी से इसके अंदर। इसे हम दोनों साइड पलट कर अच्छी तरह से सेक लेते हैं।
दोनों साइड हम ब्राउन कर लेंगे इस तरीके से। यह देखिए यह दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। चलिए अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सभी पीसेस को सेक लेंगे। यह देखिए फ्रेंड्स हमारा हेल्दी नाश्ता जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।